का बहुत शौक है तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं ट्राई करने वाली हूँ इंडियन फूड। मेरे साथ यार वैसे बहुत बुरी हुई है इस व्लॉग में। मैं असल में करने वाली थी 2000 चैलेंज के हम देखेंगे 2000 में हम क्या क्या इंडियन फूड ट्राई कर सकते हैं। मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया था, हमने अपनी अम्मियों को पकड़ा और चले गए हम जनाब 4 बजे क्रीम ब्लॉक, और वहाँ पे जाके हमें पता चला कि वो स्टॉल तो अभी बंद है। और फिर इधर उधर हम घूमते रहे, इंतजार करते रहे, फिर 6 बजे जाके वो स्टॉल का उन्होंने लगाया, और फिर जाके हमें पता चला कि 9 बजे डोसा वगैरह लगेगा, अभी हमें सिर्फ बड़ा पाव मिल सकता है, और दोनों ही चीजें अभी बहुत टाइम था लगने में। फिर हमने सोचा कि चलो अब आए हुए हैं तो कुछ तो खा के जाएं। फिर हमने वड़ा पाव ऑर्डर किया, और मैं सच बताऊं तो मुझे ये ऑथेंटिक वड़ा पाव नहीं लगा जो कि इंडिया में मिलता है, क्योंकि मैंने जितने व्लॉग्स देखे हैं, एक तो उनका वो पाव डिफरेंट होता है जिसको यहाँ पे हम बन कहते हैं, तो इन्होंने बर्गर बन यूज किया था उसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर चीज, मायनीज और ये वाली सारी सॉसेज नहीं होती हैं। शॉप का नाम था कादरी वड़ा पाव और प्राइस इसकी थी 130 रुपीज। खाने में टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा था, बट आलू टिक्की बर्गर वाला टेस्ट कह सकते हैं। मुझे जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी वड़ा पाव की, मुझे वो नहीं मिली। लेकिन यहीं तक नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह का रिव्यू करने वाली हूँ, जहाँ का खाना मैं कह सकती हूँ कि 11/10 है। तो इंस्टा, यूट्यूब और टिकटॉक पे फॉलो करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।